नमस्कार, लोकमत के आपकी सेहत आपके हाथ के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरीके से लोकमत आपकी सेहत आपके हाथ प्रोग्राम को चला रहा है, लोगों के लिए इसमें बहुत अच्छी बातें लोगों को मिल रही हैं। याद रखिए, जो भी आप इस प्रोग्राम में देखते हैं, सुनो, समझो, जानो, करो, एजुकेशन को कन्वर्ट करो नॉलेज को, नॉलेज में, और नॉलेज को कन्वर्ट करो विजडम में। रोजाना सोने से पहले याद रखें, आज मैंने स्वस्थ रहने के लिए क्या सीखा, क्या प्रण लिया और मैं क्या करूं। देखते रहिए, आपकी सेहत आपके हाथ, आपकी सेहत आपके हाथ। बातचीत हम कर रहे हैं बच्चों में, बड़ों में और बुजुर्गों में हार्ट की बीमारियों के लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अगर हम लेके चलें, बच्चों में जो पैदा होते हैं उसमें पैदाइशी बीमारियां होती हैं जो दो प्रकार की हो सकती हैं, एसाइनोटिक एंड साइनोटिक। एसाइनोटिक का मतलब है कि उनका शरीर ब्लू नहीं है, साइनोटिक का मतलब है उनके नेल्स यहाँ से ब्लू हो जाते हैं। ये पैदाइशी बीमारी होती है, मदर से बच्चे को आती है और इसकी या तो सर्जरी होती है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। और आजकल इसकी सर्जरी पॉसिबल है, सब जगह पर होती है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वहां पर समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड है जो कि ऐसे लोगों की सर्जरी कराता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो रिमैटिक हार्ट डिजीज होती है, गले में खराश और बुखार हो तो कई बार अगर आप टाइम पे दवाई ना ले, इलाज ना कराएं, तो आपके हार्ट के ऊपर में डैमेज हो जाता है, तो हार्ट के दरवाजे हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। और एक बार डैमेज हो जाए तो फिर बच्चे को जोड़ों में दर्द होता है, बुखार होता है, पेल्पिटेशन होता है, सांस फूलता है, और इस सिचुएशन के अंदर में उसको महीने में एक बार पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और कई बार दरवाजा बदलने की जरूरत महसूस होती है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है बच्चा तो ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज की बीमारी आती है, चीनी चावल और मैदा खाने से होती है। कई बार सिम्टम्स भी नहीं आते, कई बार जब सिम्टम्स आते हैं इसका मतलब है ब्रेन में या हार्ट में डैमेज हो चुका है। अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और उसको कंट्रोल में रखें। थोड़ा और बड़ा हो जाता है आदमी तो उसको होते हैं हार्ट अटैक की संभावना, यानी कि हमारी हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है, जो प्लम्बिंग हमारे अंदर सिस्टम है, उसके अंदर में ब्लॉकेज आ गया, जिस कारण से आदमी को चलने में, दौड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में उसको तकलीफ होती है। छाती के बीचों बीच घुटन होती है, जलन होती है, प्रेशर होता है या हैवीनेस होती है, ये लक्षण है कि एंजाइना हो रहा है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, या फिर आर्टरी को खुलवाया जाता है या फिर फ्लाईओवर बनाया जाता है जिसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं। इसके अलावा और आदमी जब बूढ़ा हो जाता है हार्ट के अंदर में तो उसको स्ट्रोक होने की संभावना है, यानी कि पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, डायबिटीज कंट्रोल ना हो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना हो, तो उसको सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसे स्ट्रोक बोलते हैं। याद रखिए, अगर आपको हार्ट अटैक है या पैरालिसिस है, अगर आप एक घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाते हो तो आपको क्लॉट डिजॉल्विंग थेरेपी या एक वायर को डाल के दूरबीन के साथ में आपके क्लॉट को निकाला जा सकता है। नॉर्मली हम 3 घंटे बोलते हैं, हार्ट अटैक में 4.5 घंटे बोलते हैं, पैरालिसिस में, बट आजकल कई केसेस में तो 24 घंटे तक इस प्रकार से आपका इलाज हो सकता है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि 80 साल तक आपको हार्ट अटैक ना हो, पैरालिसिस ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, तो याद रखिए 80 का फंडा कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और फास्टिंग शुगर 80 से कम रखें। इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, 1 मिनट में 80 कदम चलें, हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, एयर पोल्यूशन PM10 PM2.5 को 80 से कम रखें, नॉइस पोल्यूशन को 80 से कम रखें, दिन भर में 80 मिनट, साल में 80 दिन धूप में बैठें, साल में 80 दिन अनाज ना खाएं, और दिन भर 80 साइकिल पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी करें, तो आप मरेंगे नहीं। मर भी जाएं तो चिंता नहीं, क्योंकि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर, 10x10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटोगे तो 80% चांसेस है कि आप उसको बचा दोगे। लोकमत की आपकी सेहत आपके हाथ के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल।